का का हमारे साथ ओमन है आवर गेस्ट से, जिनके साथ हम लोग सेंट्रल और ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश का फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम लोग ज़ीरो वैली की तरफ जा रहे हैं। हमने अपने मॉर्निंग में जर्नी की शुरुआत की थी ईटानगर से, और अभी हम लोग पोटिन में आए हैं। यहाँ से एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आता है, और जो रास्ता था ईटानगर से इस पोटिन तक का, जो कि लोअर सुबनसरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो काफ़ी एडवेंचरस था। ऑफ रोडिंग करते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और कहा जाए तो ये एक ट्रिब्यूटरी है सुबनसरी ब्रह्मपुत्र रिवर की। और ब्रह्मपुत्र जो है वो टिबेट से शुरू होता है, उद्गम होता है, और फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में गिरता है। और यहाँ पे अरुणाचल में इसकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं ओमन जी, कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं आपका? ये सुबनसरी रिवर हो गया, कामिंग रिवर, सियांग रिवर, लोहित रिवर, वो लोग जो जाके आसाम में आपका ब्रह्मपुत्र बन के वो जो ट्रिब्यूट होता है अरुणाचल से, और जो तिब्बत से आता है गोरीचिन माउंटेन से, जो शायद तिब्बत से तिब्बत पे उसको संगफो बोलते हैं क्या, जो हमारे यहाँ पे आके जो कामिंग, लोहित, सियांग और सुबनसरी जो डिबूर होके आसाम में जाता है वो ब्रह्मपुत्र बन जाता है। असल में यहाँ पे खाना खाने का स्टॉप नहीं था हमारा, लेकिन ओमन जी को भूख लग गई तो हम लोग ने यहाँ पे राइस प्लेट मंगवा लिया है, और ये वेज खाना खा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, जिसमें बॉयल्ड राइस है, परवल की भुजिया, चना, काला चना, आलू की भुजिया, मिक्स सब्जी है जिसमें बैगन, आलू, पत्ता गोभी सब कुछ है, बॉयल्ड ग्रीन्स, साथ में मसूर की दाल है, साइड पापड़ और थोड़ा सैलेड, चटनी या चाय है क्या? आइए शुरू किया जाए। हाँ क्या बात, ये तो पूरा एकदम बिहारी भोजन हो गया। मतलब मेरा तो सबसे प्रिय भोजन को है ना तो दाल भात है, और साथ में या तो आलू का भुजिया मिल जाए या आलू का चोखा मिल जाए, बस आत्मा तृप्त हो जाता है। और जो ये आप कहीं जर्नी पे जाते हैं, ऐसे जो बस हॉल्ट्स हुई या आप कार से जा रहे हो तो कहीं पे ऐसे जगह पर रुके, वहाँ फ्रेश खाना मिलता है, गर्मा गर्म बनता रहता है, निकलता रहता है। मैं आ गया। ये गंगा जल है, नीचे से निकलते रहता है, देखिए परमानेंट है। हाँ ये शिवलिंग के नीचे से, तो कहाँ से सोर्स है इसका? सोर्स शिवलिंग के नीचे से उसका सोर्स है, देखिए ना पूरा पानी निकल रहा है। और ये गणेश जी है, और ये भोले बाबा हो गए, ये माला इसमें प्रकृति माला जो है नेचुरल पत्थर का बना हुआ है, देख रहे हैं। 2004 में लकड़ी काटने वाले को दिखाई दिए, तब से इनका पूजा पाठ मतलब चल रहा है 2004 से। यहाँ में एक पेड़ था, पेड़ से ढके हुए थे, पेड़ काटा है तो पेड़ शिवलिंग बना करके उल्टा गिर गया, तब ये दिखाई दिए। तो नीचे उतर के थोड़ा जंगल सफाई किया तो बाकी मूर्ति सब शिव जी हो गए, बगल में पार्वती जी हैं, एक गणेश जी हैं, गंगा है, नंदी महाराज हैं, वो कार्तिकेय हैं, उन्हें पूरे परिवार के साथ। और शिव महापुराण में भी इनका उल्लेख है, वर्णन है कि संसार का सबसे बड़ा लिंग होगा, आगे जाके इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा, और इस स्थान पर जो भी प्राणी दर्शन करने से उनका मनोकामना पूरा होगा, ऐसा शिव महापुराण रुद्रखंड 17वां अध्याय में इनका वर्णन है। तो लिंगालय, लिंगालय भी वर्णन है इसमें, जी जी लिंगालय भी। यहाँ जो भी मूर्ति है सब लिंगे के जैसा है, वो भी देखिए, चाहे बगल में देखिएगा माता जी का भी, सिर्फ गणेश जी का ही ये मतलब माथा का शेप में है, यहाँ है, और एक गंगा जी निकल रही है, और काफ़ी भक्तों लोगों का यहाँ मनोकामना पूरा होता है, इसीलिए इनका नाम सिद्धेश्वर नाथ रखा गया है। ऐसे तो शिव महापुराण में इनका स्कंद पुराण में अरुणाचलेश्वर नाम से वर्णन है,
आगे जाके जैसे अरुणाचल होगा तो अरुणाचलेश्वर महादेव के नाम से, लेकिन ये सिद्धपीठ है हमारा अरुणाचल जो है हिमालय का ही पार्ट है तो इसलिए सिद्धेश्वरनाथ शिव जी का ही नाम है, हजारों नाम है तो रख करके यहाँ पर पूजा पाठ शुरू में मतलब हुआ कि अब बिना नाम का पूजा कैसे करेंगे तो मुख से निकल गया कि इनका नाम ही रखें, तो वही नाम से इनका संकल्प होता है, पूजा होता है। तो विश्व का सबसे लंबा शिवलिंग है, ये 4-5 फुट और नीचे तक है, ये तो पहाड़ काट के अभी थोड़ा फिलअप होते होते अब उठते उठते ऊंचा आ गया ना, ये तो 4 फुट 25 फुट है नीचे से, यहाँ से 20 फुट है, यहाँ से 20 फुट है शिवलिंग का लंबाई, 5 फुट तो समझिए कि भर गया है, चबूतरा बनाए चाहे ये सब अभी लग रहा है भक्त लोगों का सहयोग से धीरे धीरे। तो पहले जल चढ़ा लीजिए जी। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम कार बिंदु संयुक्तम नित्यं धायन्ति योगिना कामदा मुक्षम चैव ओम काराय नमो नमः नमन्ते ऋषियो देवा नमन्ते आर्दुसानना नरानमन्त्रे वेशम नाकाराय नमो नमः। नारियल को तोड़ के पानी चढ़ाइए। आर्दुसानना नरानमंत्रे वेशम नाकाराय महादेव महात्मान महाध्यायपरायण महापापरम देव माकाराय शुम शांत जगन्नाथ लोकारुणकारक शिवमे प्रमितम स्वीकाराय मा वाहन स्वस्य त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। यह ऐसी जगह है जहाँ पे आके आप ध्यान लगा सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। जीरो वैली पहुंचते ही हमें बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, बारिश ने हमारा यहाँ पे स्वागत किया। अभी यहाँ पे एक फेस्टिवल आने वाला है जिसका नाम ड्री है और उस फेस्टिवल के बारे में जानेंगे गुड जी से। ड्री हम लोग इसलिए मनाते हैं ताकि हमारा जो धान हो वो अच्छा हो, उसमें कीटाणु ना खाए उसे और अच्छा क्रॉप्स मिले हमें, इसलिए हम लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं। ये कितने समय तक चलता है फेस्टिवल? फेस्टिवल यूजली ये फिर 5th और 6th को चलता है, बट अभी मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से 1st से शुरू होता है, 1st to 5th फूड स्टॉल लगा रहता है, तो लोग फूड मेला होता है तो लोग आते हैं वहाँ पे अपने पसंद के खाने खाते हैं उस तरह से। सो 5 दिन का यूजली अभी चलता है, तो मेन रिचुअल्स होगा 5th एंड 6th को। अभी ये क्या हो रहा है? ये डांस रिहर्सल कर रहे हैं ड्री फेस्टिवल के लिए। यहाँ बैठे हैं, ये टेंपल है आप लोगों का, डोनी पोलो टेंपल। हाँ हाँ हाँ। ये जो पीछे बना हुआ है ये क्या है? सन है, हम लोग सन को मना रहे हैं, ऐसा को मनाता है रात में, माने पुलो मिनरल रोक रात मून चांद चांद उसको चांद को रात में मानता है, दिन को उसको मनाता है। ये जो अभी रिहर्सल हुआ, इस फोक डांस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इनको दिरी बिसी बोलते हैं, तो इनके गाने में वही बोल रहे हैं कि जब
प्रिपरेशन जब होता है प्लांटेशन करने का एग्रीकल्चर में, वो उसके बाद जब धान लगाने के बाद, फिर उसके बाद जब उस पर कीड़ा लगता है तो उस कीड़े को भी वो मारते हैं, मारने के बाद उसके बाद उनका फसल अच्छा होता है और देन वो सॉइल भी अच्छा बना रहता है। तो इस गाने में वो वही बोलते हैं। ज़ीरो वैली में हॉर्टिकल्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवी उपजाई जाती है वो है, और इन्हीं कीवी से बनता है वाइन। इनफैक्ट इंडिया का फर्स्ट कीवी वाइन यहीं पे बनाया गया। यही वो ग्राउंड है जहाँ पे ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक होता है और देश विदेश से आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, म्यूज़िक लवर्स आते हैं यहाँ पे, और ये फेस्टिवल सितंबर में होता है जी। हैं, और ये कितने दिन का फेस्टिवल होता है? 4 दिन का होता है। यही इसी ग्राउंड में ये सब कुछ होता जी, है जी। यहाँ उस तरफ स्टेज रहता है, देन फूड स्टॉल, वहाँ पे डे स्टेज रहता है, नाइट स्टेज एंड डे स्टेज दो रहता है। तो यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट, लोकल म्यूजिशियंस हो गए, उसके बाद फिर इंटरनेशनल सब लोग आते हैं। लोकल ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, बट इंटरनेशनल नेशनल आते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ के लोकल नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट के होते हैं, बट मैं बोल रही हूँ यहाँ जीरो के आर्टिस्ट को आई थिंक परफॉर्म करने का मौका मैंने तो नहीं देखा अभी तक। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, बाकी वहाँ पे एक शूट चल रहा है। वो यहाँ के सिंगर, यहाँ के लोकल सिंगर हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोकल सिंगर्स हैं। सो मैंने ZFM में किसी को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। कितने लोग आ जाते हैं इस क्राउड में? काफ़ी लोग सर, कुछ देर में जो जो नाइट में आते हैं वो देर में नहीं आते हैं, देन दे को लोकल भी आते हैं। तो ये 24 आवर चलता है क्या? नहीं, ये आफ्टरनून से शुरू होता है, फिर आई थिंक अराउंड 1 आवर या 1/2 आवर का ब्रेक रहता है, फिर उसके बाद नाइट वो स्टेज में शुरू होता है, तो अराउंड 10 PM तक चलता है। और यहाँ पे लोगों के रहने की पूरी व्यवस्था है, सब कुछ है? होटल्स है, होम स्टेज है, वो इनफ नहीं होता, तो बहुत सारे कैंप साइट्स रहते हैं, तो आई थिंक उससे हो जाता है। आने जीरो का जी मिल जीरो से पान मान पालो मालूम यू है तन। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर ज़ीरो है और हम लोग आए हैं विलेज होंग में, और जहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे आपातानी ट्रैवल क्यूजीन का और जानेंगे इनके फूड हैबिट्स के बारे में। आइए। घर के ओनर आता यामयांग, इनका नाम मो दिल्ली को आदो चाहता तमिल। थैंक यू, आपने मौका दिया कि आपके घर पे आ सके। गांव का नाम होंग है? होंग सबसे बड़ा गांव। हाँ, पूरे जीरो का यही है। हाँ, कितना परिवार रहता है यहाँ पे इस गांव में? वो तो पता नहीं कितना, 7-8 thousand ऐसा रहता होगा, 10 thousand ज़्यादा होगा। और यहाँ पे सिर्फ आपातानी समुदाय के लोग रहते हैं? सब आपातानी, हम लोग का मिक्सचर नहीं बेचता है। जीरो में वो टाउन में मिक्सचर बेचता है, ये गांव में मिक्सचर नहीं होता है, आपातानी आपातानी। और जितने भी यहाँ पे घर बने हुए सब आपका टिम्बर और बैम्बू से बना हुआ है? बैम्बू से ये 35 से बनाता है। और सब साथ साथ होता है? हाँ, साथ साथ। ये आपका मेन फायर प्लेस है, मतलब जहाँ किचन, जहाँ पे खाना पकाते हैं आप? हाँ, पहले यहाँ में वो खाना भी पकाते हैं, क्या क्या यहाँ में बना के खाते हैं। आजकल जो ये थोड़ा मॉडर्न है, जो कि लाइट कुकर में खाना बना के, गैस में खाना बना के ऐसा खाता है। यहाँ में ठंडा होने से आग जला के दिन भर
दिसंबर जनवरी इसमें दिन भर आग जला के बैठते हैं। बहुत ठंड बहुत होता है यहाँ पर। हाँ बहुत होता है, बर्फ़ भी गिरता है, तो रात को बर्फ़ गिर के दिन को गायब होता है। जीरा का बर्फ़ जो बहुत ठंडा है। ये हम लोग का ये भी पाइन ट्री का है ना, पाइन ट्री का। इससे पहले हम लोग का छोटा समय में नसपला में भी यहाँ में दवाई है, तो ऐसा छोटा सा बना के यहाँ में भी लगा था, घाव नहीं होने के लिए। इससे लगाने से घाव नहीं होता है। खुशबू भी बहुत अच्छा होता है इसका। इसका खुशबू भी होता है। सेंट है ना। ये यहाँ में बड़ी बड़ा लोग यहाँ में गाँव होने से भी इसका ये कुछ साथी बोल के निकलता है, तो घास में इसको लगाने से ठीक होता है। ये दवाई के लिए भी अच्छा है। तो घर के लिए हमें हम लोग ये यहाँ आग जलाने के काम में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आग जलाते हैं। इसमें इतना ऑयल होता है ना। हाँ उससे आग पकड़ लेता है। हाँ आप हमको मदद करो। हाँ करेंगे। क्या करें? हम बताएगा। क्या करना है अभी? हम बताएगा क्या करना है। चिकन काटना नहीं आता हमको। ओ कहीं आप बोले चिकन काटना है। कहले कैन से ये बनता है, तो जंगल में हम लोग का मिटन है इसको। ये ऐसा सीजन में अभी ये धान का सीजन है ना, तो अभी बदमाश होने से मिटन को यहाँ में बांध के और ऐसा में तान के रखा है। बदमाश नहीं होने से फ्री में वो खाना पीना में ढूंढने के लिए फ्री में छोड़ देता है ये बांधने के लिए। ये मिटन का हम लोग का बोलते हैं वो सा बोलते हैं, सुबुसा मिटन का नाम से सुबुसा बोलते हैं ये। तो ये लेरा है, ये लड़का ये पीछे में भुगता है क्या क्या यहाँ में डाल के। तो ये जो यहाँ में हम लोग का ये अपगली बोल के पहले महाभारत ये होने से धनुष। हाँ ये अंदर में ऐसा पहले डाल के रखा था, अभी ये खाली है। अभी भी जाते हैं हंटिंग के लिए जाते हैं? हाँ ये हंटिंग के लिए वो बूढ़ा लोग जाते हैं, और आजकल जवान लोग मालूम नहीं होके। तो ये कैन से बनता है, ये प्याखा बोल के, और ये पहले ज़माने में यहाँ में लकड़ी डाल के तो बूढ़ा लोग यहाँ में भुगता है, तो बच्चा लोग यहाँ में भुगता है। ये बच्चा के लिए, ये बड़ा के लिए। इसमें डाल के ऊपर में इतना बड़ा होके लकड़ी बुक के यहाँ में ऐसा हम पहले किया था। ये जो है इसमें वो ये राइस बियर, ये बड़ा है, इसे यहाँ में राइस बियर डाल के तो दूसरा ये बाहर से आने वाला को ऐसे डाल के राइस बियर ऐसा देता है। यहाँ में राइस बियर पीता है। हमको कैसे देगा? आपको बाद में देगा। हम हाँ बाद में हम राइस बियर यहाँ में डाल के उधर में बैठ के तो चिकन एग ये पका के हम साथ में खाएगा ना। ठीक है। तो ये मग है, बियर मग है। हाँ बियर मग है। तो ये जो पहले का हो माँ पिताजी लोग का ये मग है, ये कैन से बनता है। ये जंगल जाने में, खेती में, जंगल में मिटन देखने के लिए हो जाएगा। अभी हम बास्केट दिखा दिया ना, उसमें ये डाल के ये ऐसे ऐसे करके
तो ऐसा पीछे में बुक के तो खेती में पहले ज़माने में हम लोग का माँ पिताजी लोग यहाँ में अपन राइस बियर डाल के एक एक ऐसे पी के आपको भी ले पौड़ा ऐसे ऐसे दिन में खेती में ये डीडू बोलते हैं। इसका क्या ट्रेडिशनल नाम है, इसका लोकल क्या नाम है? मक्का तुल्ला। ये तीन तो सेम है, ये येजू इसको बोलते हैं, अलायजू बोल के अलायजू हम लोग का ऐसे। तो ये तो आजकल का है। Parayo means chicken meat. ये ऐसा छोटा छोटा करके तो अंडा डाल के बहुत टेस्टी होगा। ये कौन सा स्टाइल? ये मेरा स्टाइल है। ये डिजाइन बन जाता है। ये अंडा बाद में काम भी आ जाएगा, है ना? छिलका अभी चम्मच से मिलाते हैं नहीं, इससे ऐसे मिला के जो चिकन और एग है उसको बैम्बू ट्यूब में डाल रहे हैं, सुडो में तो रूम में डालेगा। इसको पकड़ो। अब इसको आग पे पकाएंगे। अभी ऐसे आग में पकाएगा। इसको बंद नहीं करना नहीं। तो ये एक इसमें डालेंगे, टक टक करके मेरा डिजाइन। आपका डिजाइन? आपका डिजाइन वाला किया? हाँ, आप भी मालूम है, सीख गया। जल्दी सीख जाते हैं हम काम। ये पप्पा किन तेल पल्ला कर रहा। आप लोग दिन में कितने बार चावल खाते हैं? हम लोग 8 बजे में एक बार खाना खाएगा। तो खाना खा के दिन में खेती में खाना बुक के जाएगा। तो 1 बजे में एक बार खाता है। तो रात में 7-8 बजे में एक बार खा के सोता है। तो तीन बार चावल खाते हैं? हाँ, चावल। और चावल के साथ क्या खाते हैं? चावल का साथ हम लोग का ये साथ में मीट खाता है और पिके पिला खाता है, बॉयल सब्जी खाता है और उसका साथ ये बुरी बुरा लोग ये राइस बियर एक मॉग उसका साथ पी के रात में सोता है रोज। हाँ, रात को अपना लोकल राइस बियर को। आप लोग का क्या क्या खाता है? हम लोग तो रोटी सब्जी दाल चावल छोले चावल ये सब खाता है चावल के साथ में। चावल एक बार दिन में? चावल एक बार दिन में। हाँ, और रात में रोटी और सुबह
कभी ब्रेड खा लिया, कभी पराठा खा लिया। जैसे हमको चावल ज़्यादा पसंद है। हाँ, हम भी। और अगर दिन में एक बार चावल नहीं मिले ना, मुझे लगता है कि खाना खाया ही नहीं। हाँ हाँ, चावल चाहिए एक टाइम। चाहिए चाहिए ना, हम भी ये चावल चाहिए चाहिए। चावल नहीं होने से बिना चावल में हम बैठने नहीं सकते। आप लोग तो यहाँ पे चावल का बहुत खेती होता है। हाँ, हमने कहा चावल का बहुत खेती होता है। अरे रास्ते में हर जगह हम लोग देखा आते समय, हर जगह पे चावल का खेती हो रहा था। तो जो आपका ये खेत होता है उसी में ही मछली पालन भी करते हैं उसी में? हाँ, हाँ, मछली भी पालता है हम लोग का खेती में ना। तो देखा जाए तो मीट में आप लोग मिथुन खाते हैं, पोक खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिर फिश खाते हैं, और भी कुछ मीट होता है? मीट हम लोग का, हाँ, हम लोग तो सब कुछ खाते हैं। कुत्ता का भी खाता है और लड़का लोग तो जंगल से चूहा को भी खाता है। चूहा ना जंगल में मोरे में जंगल में जाके चूहा वो जंगल का चूहा लेके वो तो सीजन में खाता है, अभी तो नहीं मिलता है। तो मीट में हम लोग को बहुत खाता है, बहुत है मीट। मतलब ज़्यादा मीट, ज़्यादा शाकाहारी वेजिटेरियन नहीं खाता है? वेजिटेरियन भी खाता है आजकल, ये आजकल बच्चा लोग को ये मीट नहीं खाता है, वेजिटेरियन खाता है। वेजिटेरियन ये आलू क्या क्या ऐसा खाता है। हम लोग आलू खाने मन नहीं, आदत नहीं है। ये मीट नहीं होने से बॉयल सब्जी और क्या क्या हम लोग का लोकल सब्जी से चटनी बना के ऐसा खाता है। चूहा, चूहा आप खाए? हाँ, कैसा लगा? बहुत टेस्टी था। ये जंगल का ये चूहा जो स्क्विरल भी खाता है, स्क्विरल। और इंसेक्ट्स में कौन सा इंसेक्ट्स खाते हैं? ग्रास हॉपर और हाँ, हम लोग का हाँ, ड्रैगन फ्लाई, कैटफॉल। हम लोग का टटू खाता है, टट्टू मालूम है? टटल, टट्टू। हाँ हाँ, फ्रॉग, फ्रॉग मालूम है ना? हाँ, फ्रॉग पता है, मेंढक। हाँ हाँ, मेंढक, मेंढक को ही खाता है, मेंढक का बच्चा को भी खाता है। अरे मेंढक वाला, घर वाला मेंढक नहीं। हाँ, जंगल खेती में वो सपा वाला मेंढक है, घर में मेंढक नहीं है हम लोग का। हाँ, खेती में होता है। तो मछली खाता है। और ये सब चीज आपको ड्री फेस्टिवल में फूड स्टॉल में मिलता है और एक्सोटिक फूड माना जाता है। और ये जोजे बोल के एक खाने वाला था, वो भी खाता है। और अभी कीवी का पत्ता को रात को खाने आता है, उसको भी ढूंढ के। क्या बोलते हैं उसको? जोजे, जोजे। हाँ, कीड़ा होता है। हाँ, कीड़ा जैसा, रात को वो पत्ता को खाने आता है, पूरा ग्रीन ग्रीन। आपको सबसे अच्छा मीट किसका लगता है? सबसे मीट अच्छा हमको ये चिकन, चिकन अच्छा लगता है। हाँ, मेरा दांत नहीं है तो इसलिए। सब बन गया। चिकन, एग, चिकन एग, रोस्टेड चिकन, सब तैयार हो गया। अभी इसे निकाल देगा।
अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, अब तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ। पूरा ये बैम्बू का, ये देखिए पूरा स्किन जो अंदर का मेम्ब्रेन है। हाँ। वो भी साथ में आया है। हाँ। वाह, कैसे बनाया तो ना? एक्सपर्ट शेफ है। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया। देखो ये तो बहुत टेस्टी है, ये बहुत टेस्टी होता है। क्या नाम है इसका? ओ ओ अला ओ, ये अला ओ बोलते हैं। राइस से बनता है? हाँ, राइस और ये मिलेट का बन के, और राइस बियर, ये हम लोग का वो लैंग्वेज से अला ओ बोलता है, सासे ओ, मिलेट को सासे बोलते हैं, ये ओ अला ओ। थैंक यू। ये लोकल सॉल्ट हम लोग का, इसका वजह से हम लोग का पता नहीं जो ये गोइटर नहीं होता है, ये लोकल सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? टापियो। टापियो। तो रासा और राइस पियाते हैं। आपका ग्लास? हाँ, ग्लास है। ग्लास का? हाँ। ये टापियो बनाते कैसे हैं? ये जंगल में एक घास होता है, तो ये घास को कट के सूख के फिर ये आग में जला के, आग में जला के वो फिर ये पाउडर जैसा होता है, उसको लेके बकेट में डाल के थोड़ा थोड़ा ऐसा पानी से फिल्टर करके, और ये फिल्टर करके वो ये जूल को केराई में फ्राई करता है, तो टापियो, और टापियो होता है। ये बहुत महंगा है, ये हम लोग का फेस्टिवल में, मेरे को फेस्टिवल में होता है, वो मुरुम फेस्टिवल में सब हर साल हर ये पूजा में ये और ये दोनों चाहिए चाहिए हम लोग का, वो बहुत महंगा है, करने में तकलीफ है। तो पहले कुछ चेस करने से कुछ बोलते हैं हम लोग? हम लोग का वो तो चेस नहीं है, क क क कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? टेस्टी है। चलो इसको खा के, ऐसे खा के या में पीने से बहुत मीठा होता है। अच्छा। तो पहले इसको रखने, पहले इसको आगे डाल के, तो इसको पीने से बहुत मीठा है ना, स्वीट और सॉल्टी हो गया है। तो ये हम लोग का ये बुखार होने से भी ये मेडिसिन है, तो इसको बुखार वाला को इसको देके ऐसे देके यहाँ में पीने से बुखार भी ठीक होता है, मेडिसिन है। तो जो आप लोग का ये लोकल व्यू है, ये आप लोग का रिलीजियस, कल्चरल, सोशल सब में काम आता है? हाँ, सब में आता है, ये दोनों जो सब में आता है, इसलिए हम यहाँ में हमेशा ये बना के रखता है। हर घर में होगा ये? हाँ, ये हर घर में होगा। आजकल तो ये कोई लोग किस्तन में जाता है, वो किस्तन लोग ये नहीं रखता है। हम लोग का ये डोनीपुरों का घर में, हर घर में होता है। राइस और मिलेट दोनों से तैयार किया गया, ये स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे ये जो ऐसा फिल्टर वाला जो ये डिसेंडरिंग करने में पहले, वो पहले ज़माने में वो ये मेडिकल नहीं होने में ये डिसेंडरिंग होने से भी इसको देके ठीक होता है,
मेडिसिन गल भी अच्छा है। तो आजकल वो बुरी बुरा इतना नहीं है, पहले वो बुरी बुरा ये घर में पूरा ये बुरी बुरा लोग ये होने से मेरा ये राइस बिहार को पेट डरो बोल के हमको टोरा दे दो बोल के हम ये इतना दे के पी के पेट डरो के लिए भी अच्छा होता है। तो ये फिल्टर जो ये एक नंबर वाला है ना, तो ऐसा होता है। हम लोग का भी वो मेडिसिन के लिए भी अच्छा है, बदन के लिए भी अच्छा है, ज़्यादा नहीं पीना है थोड़ा। दिन में सुबह ये इतना मौक में चावल और ये पोना बोलता है, ये हम डाल के पिल्ला बना के सुबह खा के दिन भर खेती में करने से भूख नहीं लगता है पहले ज़माने में। तो रात को आके इतना ये मौक में पिल्ला बना के खा के रात में सो सकते हैं, भूख नहीं लगता। पहले ज़माने में ऐसा होता था। आजकल जो मॉडर्नाइज जो के और जापान ये कहाँ कहाँ और कॉलेज में हॉस्टल में और तो दूसरा चीज़ खाता है, ये तो नहीं खाता। मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं है, जो भी है बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसको बनाया गया है, नेचुरल है। अच्छा लगा मुझे, हल्का सा एक इसमें मतलब कहते हैं स्वीटनेस वो आया। अब खाएं, पहले ये खाएं, कैसा बना है? अच्छा है, टेस्टी है। टेस्टी है, टेस्टी है ना। बहुत बढ़िया बना है, मतलब ऊपर से जो एग की कवरिंग है वो एकदम फ्लफी है, साथ में जो ये बेम्बू ट्यूब का इनर मेम्ब्रेन है उससे अच्छा एक स्वीटनेस आ गया है, एक अर्दी फ्लेवर भी आया है और चिकन भी परफेक्टली कुक्ड है और इसमें कोई स्पाइस या कुछ मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ नमक है। नमक। अब ये खाते हैं। ये भी अच्छा है, ये थोड़ा जाल घर मना है। बढ़िया स्मोकी और चार्ड फ्लेवर जो होता है वो इसमें, जब कोई अच्छा बनता है तो क्या बोलते हैं आप लोग? अच्छा अपने भाषा में, हम लोग का भाषा में टेस्टी खाने को, टेस्टी को अनो दिप्योदो पामुत्तु, अनो दिप्योदो, अनो दिप्योदो, अनो दिप्योदो। यहाँ पे सब जो भी लोकल से हम लोग मिले हैं ना, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है। ना शौक का सा आ और यहाँ में खाना है। ये कैसा है? ये एग, एग ऊपर का ये वो खाने में बहुत मजा है। सो ऊपर का खा जाओ। दिप्योदो ना, दिप्योदो आ, दिप्योदो, अनु दिप्योदो, अनु दिप्योदो। ये है ना, इसमें सॉल्ट भी नमक भी नहीं है, लेकिन फ्लफी बना हुआ है और बहुत टेस्टी है। मतलब सारा का सारा जो फ्लेवर है वो बैम्बू के इनर मेम्ब्रेन का है। अच्छा एक नटी टेक्सचर भी है। ये चिकन का है, चिकन का, चिकन और एग का, ये एग ऊपर में उठता है, ये इसमें टेस्ट करो, वो तो अलग सा टेस्ट है ना। ये जूसी है, हाँ, चिकन का जो जूस है वो इसमें अच्छे से समावेश कर चुका है। वाओ, ये अलग सा टेस्ट है। आपको ये स्किन बहुत पसंद है इसका ऊपर वाला, ये खाते हैं, ये स्किन जो बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। इतना मॉइस्ट और जूसी है कि जो चिकन का अपना जूस है वो। कोई
फैंसी कुकिंग स्टाइल नहीं बट उम्दा फ्लेवर्स। और मैं तो हमेशा कहता हूँ सिंपल फूड इज ऑलवेज द डिलीशियस फूड। मेरे को तो उसका स्मेल बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल जैसे वोडका का स्मेल होता है ना वैसा लग रहा है, लेकिन है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसलिए हम भी स्ट्रॉन्ग है, ये राइस बियर भी स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों सेम है। हमको भी स्ट्रॉन्ग कर देगा ये। हाँ, आपका भी स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू, हमको बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके, और बहुत ही अच्छा आपने अपने खाना खिलाया, अपने फूड कल्चर के बारे में बताया, आपातानी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। प्यार और पचा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्यार हम लोग का लैंग्वेज है, प्यार हो, प्यार और पचा, प्यार और पचा। धन्यवाद को, प्यार और पचा, प्यार और पचा। तो कोरियन फूड बहुत पॉपुलर हुआ है इधर जी, मतलब सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं, इंडिया के और भी स्टेट्स में काफ़ी पॉपुलर है। इनफैक्ट मैं देखता हूँ दिल्ली में भी बहुत सारा कोरियन रेस्टोरेंट खुल गया है। तो ये पहले हम लोग चिकन अमीन खाते हैं, अमीन बोलते हैं ना, गालो का ट्रेडिशनल वो है खाना है।